पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पश्मीना बेटा ये लो प्रसाद। जल्दी से उठ जा, आज कॉलेज में फीस भरने का आखिरी दिन है। अब एक सेकंड के अंदर ना बेड से बाहर निकल। चल, मैंने कहा हुआ यहाँ रख दिया है, पी लेना। मम्मा दो सेकंड रुक जाती तो आज क्या? मम्मा ने ना कुछ नहीं सुना, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल और हकीकत में आ। आखिरी डेट तक हम तुम्हारी फीस भरने का वेट करते, फिर तुम्हारी टीचर्स के ना शिकायत भरे मैसेजेस आते हैं। अब मुझे कोई मैसेजेस नहीं चाहिए। चल उठ जा, जल्दी से तैयार हो जा। मम्मा दो सेकंड रुक जाती ना तो आज बस चेहरा ही दिख जाता। उठी? हाँ उठ गई मम्मा। भोले बाबा, आप तो जानते हो पश्मीना सिर्फ दो ही चीजों पे विश्वास करती है, एक आप पे जिन्होंने ये खूबसूरत सी दुनिया बनाई, और एक यश चोपड़ा बाबा जिन्होंने इस दुनिया को मोहब्बत करना सिखाया। बस भोले बाबा ऐसी मोहब्बत से मिला दो जिसके मैं हर रोज सपने देखती हूँ, उसे बस जागती आंखों से दिखा दो। वो कौन है जिसे देखते ही ऊपर से इशारा आएगा कि यही है वो, यही है वो। कायनात ने इसे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भेजा हो, सिर्फ मेरे लिए। यस सर, हेमंत भाई वीडियो कॉल पे हैं अमेरिका से। कनेक्ट द कॉल। श्योर। गेम शो हेमंत भाई। पजामा। गेम शो राघव भाई। बहुत जल्द आप भी कश्मीर की वादियों में जॉगिंग कर रहे होंगे। हाँ, वो क्या कहते हैं, धरती पे अगर स्वर्ग है ना तो वही है कहाँ, कश्मीर। हाँ कुछ ऐसा ही। एक मिनट, आप तो कश्मीरी हो ना? वेरी लकी, ऑलवेज सराउंडेड बाय ब्यूटी। होटल के खुलते ही आप भी लकी हो जाएंगे, प्रॉपर्टी लीगली हमारी हुई समझो। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। साइन कब? बस कल ही निकल रहा हूँ कश्मीर के लिए। All will be well. Okay. जय श्री कृष्णा। राघव सर, हेमंत भाई इतने excited है कश्मीर को लेके, आपने उन्हें रूखे सूखे निपटा दिया। बिजनेस में इमोशंस क्लाइंट दिखाए तो अच्छा है, इट्स नॉट फॉर अस। अगर फिर दोस्त बर रुए जमीनस्त, हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। गुड मॉर्निंग रब जी, गुड मॉर्निंग नवाज बाबा। रब मैनू माफ करे नवाज बाबा, लेकिन आप हमारे लिए रब का ही दर्जा रखते हैं।
हर सुबह नवाज बाबा का मत्था टेकती हूँ मम्मा। हाँ, और इन्हीं की रहमो करम से हम माँ बेटी आज सर उठा के जी रहे हैं। हम हाउसबोट वालों के कौम से नहीं, लेकिन फिर भी नवाज बाबा ने जाने से पहले उनकी ये धरोहर, ये हाउसबोट हमारे हवाले कर दी। हमें उनके लिए इसे संभालना है और पूरी कोशिश करनी है कि हम इसे बड़ी शिद्दत से चलाएं। नवाज बाबा, कहने को तो मेरी मम्मा मेरी पार्टनर है, लेकिन एक नंबर की चीटर है। जब देखो तब रो भी जमाती रहती है। कुछ इनका भी कर जाते ना। ओए, नवाज बाबा से मेरी शिकायत लगा रही है? और हाँ, अपनी कॉलेज की फीस जरूर भर देना। तेरी पार्टनर और माँ का ऑर्डर है। परमा, वो मोटर के पैसे? अरे वो भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तुम्हारी माँ है ना, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, सिर्फ सपने देखने से डिग्री नहीं मिलती। अब जाओ, जल्दी से तैयार हो। ठीक है। शंभू जी, याद रखना, बस इशारा देना मत भूलना। Four months, Kashmir full snow everywhere. Kashmir's real beauty, a houseboat. And this beautiful carving you can only see in Kashmir. Oh, nice. Real Kashmiri drink. Oh, great. So tasty. We need your houseboat for 3 nights. And here's the advance. Thank you. पैसे आते बाद में, खर्चे पहले हो जाते हैं। इस बार बर्फ पड़ने से पहले छत की मरम्मत भी करवानी है। अशरफ मियां ने 2 लाख का खर्चा बोला है और ये कमबख्त मोटर भी बार बार बंद पड़ती रहती है। 6 महीने से कह रही हूँ कि नई मोटर लगा लो, पर नहीं, सूरी आंटी कहाँ हमारी बात सुनती है। खान चाचा का घर जो चलता है हमारी मोटर रिपेयर करके। नई मोटर 75,000 की आती है और पुरानी मोटर 200-300 में रिपेयर हो जाती है, महीना भर चली जाती है। Excuse me, would you mind taking a picture? Pushar. Come to this side. Let's nice. Have a selfie. Sure. Pushar. हाँ माँ? हो गया? तेरा यहाँ हूँ. Excuse me. Okay. तुमसे कितनी बार कहा है कि परदेसियों के ज़्यादा करीब जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम हो कि समझती ही नहीं। मुझे माफ कर दे पूजा, तेरी ये बदनाम माँ अपनी गलतियों का बोझ तुझ पे डाल रही है। बरसों पहले मैंने तुम्हें चुन लिया पूजा, और मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया, और वो जिसके लिए मैं अपनों से पराई हो गई, मेरा हाथ छोड़कर भाग गया। ना मैं तुम्हें बाप का नाम दे पाई, ना परिवार की छा, लेकिन हाँ, अपने गलतियों का सबब जरूर दे सकती हूँ। कभी किसी बाहर वाले पे भरोसा मत करना, वो आते हैं और चले जाते हैं, हमें अकेला छोड़ देते हैं, एक बार पलट के भी नहीं देखते पूछा। वो कभी हमारे अपने नहीं हो सकते, कभी नहीं। जानती हूँ मम्मा, एक परदेसी बाहर से आके आपकी जिंदगी बर्बाद करके चला गया, पर मम्मा, मैं वो दर्द आपकी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं लेके आऊंगी। हे शंभू जी, मेरे उस सपनों के अनदेखे चेहरे को यहीं से ढूंढ के लेके आना, क्योंकि परदेसी से मैं कभी मोहब्बत नहीं कर सकूंगी।
बस इतना ही करना, मेरा वो सपनों का अनदेखा चेहरा कश्मीर ही हो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।